हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्टडीज यूट्यूब चैनल। आपको सबको पता है एक बहुत ही बेहतरीन चैनल यूट्यूब चैनल, जहां पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, डब्ल्यूबीसीएससी, यूपीएससी, रेल, बैंक एक्सेट्रा। सो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, साथ ही साथ में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त लोग का साथ, इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे वाले भी वीडियोस उन लोग का पास मिलता रहे और आपको भी। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे ग्रुप डी 62,907 पोस्ट जो निकला है। इस पोस्ट का बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरह का फोटो या फिर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी इस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हर एक आरआरबी में, यानी कि 16 आरआरबी में टिल 4/3/2018 तक कितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है सर, आप लोग को, दोस्तों आप लोग को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप लोग को दूसरा जगह यानी कि भटकाया जा रहा है, आप लोग को सही रास्ता से गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। क्योंकि एक आम आदमी, एक यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया में किसी को कैसे पता चल सकता है जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन, कितना कैंडिडेट फिलअप किया है, कितना डेट तक एंड हर आरआरबी का इन्फॉर्मेशन कैसे निकल सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, ये टोटली फेक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 16 आरआरबी है, 16 आरआरबी का 16 अलग अलग वेबसाइट है, 16 वेबसाइट का अलग अलग अपना सर्वर होता है और वो सर्वर सेंट्रल सर्वर का साथ कनेक्ट होता है। सो आप एक बात बता दीजिए, हमको कोई समझा दीजिए कि एक आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना हैक किए या फिर बिना कुछ किए ऐसा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। देखिए दोस्तों, ये टोटली फेक इन्फॉर्मेशन है, 100% फेक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन निकलना रेलवे का सिस्टम से इम्पॉसिबल है। सो दोस्तों, आपको आज पूरा 100% प्रूफ का साथ दिखाऊंगा। चलिए सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा लाइव लेके जाऊंगा। देखिए क्या है ये इन्फॉर्मेशन, फेक या सही है, जो यूट्यूबर और फिर जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप में आपको ऐसा पोस्ट करता है, आप उससे पूछिए सोर्स क्या है। आप देखिएगा, वो कभी भी जवाब नहीं दे पाएगा और ऐसा भड़कावों में मत आइए। आपका जो प्रेफरेंस है, आपका जो सही लगता है, उसी पोस्ट, उसी आरआरबी में फिलअप कीजिए। आपको डरने का कोई बात नहीं है, आपको भटकाया जा रहा है, चाहे आपका इसीलिए क्योंकि आपको आपका सही प्रेफरेंस ना मिले, किसी कैंडिडेट्स का एक चाल हो सकता है। सो दोस्तों, आपको थैंक यू सो मच एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड चलिए आपको अभी लाइव लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ। हेलो दोस्तों, देखिए यह है इंडियन रेलवेज का अपना ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर हर एक जोन दिया हुआ है, हर एक जोन देखिए, देख सकते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर कोलकाता जोन पकड़ते हैं, जैसे कि कोलकाता जोन, अपना जोन क्लिक करते ही इसको अपना वेबसाइट में लेके चलाएगा, यानी कि कोलकाता रिक्रूटमेंट बोर्ड का अपना जो है सर्वर है, अपना वेबसाइट है, वहाँ पर लेके चला गया आपको। यहाँ पर देखिए, अगर नोटिस आप पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट नोटिस का अंदर देखिए डिटेल्स है, से जो अभी ग्रुप डी का फॉर्म चल रहा है इंग्लिश वर्सन में, यहाँ पर अप्लाई करने का है। देखिए यहाँ पर जो लोको पायलट का फॉर्म निकला है उसका दिया हुआ है डिटेल्स। यहाँ पर देखिए 2015 का जो रिजल्ट है, 2015 का रिजल्ट का बारे में दिया गया है। और कहीं पर भी आपको फील ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि
कितना अप्लाई किया है, कितना कैंडिडेट्स, कब डेट तक, कहां पर कितना अप्लाई किया है, आपको कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। चलिए ये आपको एक प्रूफ है। और दूसरे कोई साइड में भी देख लेता हूँ। जैसे आप पकड़ लीजिए इलाहाबाद बोर्ड में देखिए, यह है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड में आप अगर फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई, अगर आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई करते हैं अपना वेबसाइट में लेके आ गया है अपना सर्वर में, इसका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो सेव होगा वो रेलवे बोर्ड में जाएगा। सो उस बोर्ड से इंफॉर्मेशन निकालना क्या इतना ईजी है, जो आम पब्लिक प्लेस में और पब्लिक डोमेन में शेयर हो जाए, क्या लगता है आपको? आप अगर इसको डिटेल्स में देखिए, कहीं पर भी इस कैंडिडेट्स के बारे में नहीं बोला गया है कि कितना कैंडिडेट्स कब तक फिलअप किया है। चलिए और एक देख लेता हूँ, और एक जैसे कि गुवाहाटी आरआरबी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है गुवाहाटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी अपना वेबसाइट है, जो कि इन्फॉर्मेशन अपना सर्वर में जाके सब डेटा सेव होता है। देखिए यहाँ पर क्या है नहीं है पूरा डिटेल्स दे चुका है, देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन सा आरआरबी में कितना कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप किया है। सो आप अपना आंखों से देखें, आप मत किसी आदमी का या फिर किसी भी फेक पोस्ट पे पोस्ट का जरिए आप अपना प्रेफरेंस मत चेंज कीजिए, जो आपका पसंद है उसी में आप फिलअप कीजिए, आपको ज़रूर उसी में नौकरी मिलेगा अगर आप अच्छे कट ऑफ मार्क के साथ जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक कोई ना कोई कैंडिडेट्स का या फिर किसी सेक्शन कैंडिडेट्स का चाल हो सकता है, आप इस चाल में मत आइए, आप अपना प्रेफरेंस में फॉर्म भी भरिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। दोस्तों अगर इस वीडियो में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको काम लगा, आपको सही लगा, आपको लॉजिकल लगा, तो ज़रूर दूसरा दोस्त लोग को, आपका दोस्त लोग को, रिलेटिव्स लोग को या फिर फ्रेंड्स लोग को ग्रुप में जितना सारा है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग इस बहकाव में ना आए, इस र्यूमर में ना आए और अपना पाँव में अपना कुल्हाड़ी ना मारे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच इस पूरा वीडियो देखने के लिए, तब तक अच्छे रहिए और सबको अच्छे रहिए। थैंक यू।